तो हाय एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैंने नेल्स भी करा लिए दोनों हाथ में और मेकअप भी करा लिया थोड़ा बहुत। तो इसी अब मैं जा रही हूँ, आज हमारे देवर के क्या है शगुन है, तो हम जा रहे हैं उधर। तो शगुन आ चुके हैं, हम घर पे हैं, तो बस अभी निकल रहे हैं, भारती दीदी तैयार हो रहे हैं, हम साथ में ही निकलेंगे और बस हम निकलते हैं वहाँ के लिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और गाइस, लड़की वाले आ गए शगुन लेके, ये सारे आए हैं, ये सगन आया है और अब हम चलते हैं अंदर। गाइस, हमारे घर की लेडीज एक कमरे में बंद हो गई हैं बेचारियाँ। और गाइस, ये हैं लड़की वाली जो लेडीज आई हैं। और आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये हमारे में एक वो होता है, मतलब कि एक कल्चर है हमारे में। जैसे ये शगुन आता है तो हमारे घर की 5 या 3 लेडीज होती हैं जो कि शगुन को बांधती हैं। ये थोड़ा सा फ्लावर और चावल के साथ, उस पर थोड़े से चावल और ये फेंक के और शगुन को जया करते हैं। ये देख सकते हो आप, इसके बाद ये जया करेंगे इसको। और गाइस, ये है लड़की का भाई, ये इधर पता नहीं क्या चल रहा है दोनों। और इसके बाद ये इसको ओपन कर रहे हैं, जो ये थाल लेके आए थे, ये थाल, और इसमें इन्होंने ज्वेलरी वगैरह डाली होती है जो कि लड़के को देनी होती है। और ये सब लड़के जो आए थे इनके लड़की वाले घर से। तो गाइस, यहाँ पे बना रहे हैं टिक्का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बन गया टिक्का। और गाइस, हमारे यहाँ ये है कि जो सेहरा बांधते हैं, सेहरे के ऊपर जो रुमाल होता है वो लड़की वाले देते हैं। तो ये लड़की वाली साइड से लेके आए थे, तो ये जो लड़की का भाई है वो उसको बांध रहा था। तो हमारे पड़ोसी उठे तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, मैं बांधूंगा, तो उन्होंने बांधना स्टार्ट कर दिया। तो वो कह रहे थे कि मैं इसको अच्छे से बांध सकता हूँ। और ये है हमारी बूची, और यहाँ पे सब सब कर रहे हैं ये जो भी खाने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद आज जाके फोटोग्राफर ने ये रुमाल बांधा किसी से, और उसके बाद ये ध्रुव होती है, ये थोड़ी सी निकाल के कान के पीछे लगाते हैं, कान के ऊपर लगाते हैं सभी, ये लगा दिए इन्होंने कान के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर टीका लगाना स्टार्ट किया इन्होंने, ये टीका लगा रहे हैं यहाँ पर, लगाते हैं टिक्का। हमारे में शगुन में यही होता है कि जो लड़की का भाई होता है वो लड़के को टिक्का लगाने आता है, मतलब शगुन में यही सब चीज़ें होती हैं। और जो उन्होंने ट्रेजरी और वो सब चीज़ें देखने के लिए करते हैं, तो उसके बारे में तो उसके बाद ये इनको शगुन जो था वो दे रहे थे। उसके बाद चाचू ने उठाई थी छोटी बेटी। उसके बाद जो लड़के वालों ने इनकी, मतलब लड़की की सास और ससुर के लिए जो चीज़ें लाई थी वो दी। और उसके बाद जो घर वालों ने लड़की वालों को कपड़े देने थे वो दिए। और उसके बाद गाइस, मैं गई छत के ऊपर जहाँ पे ये सब चीज़ें खा रहे थे, बना रहे थे। तो सबसे पहले चाम बनी थी और गजरेला था, डोसा था, आलू टिक्की थी और खाना था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सबको कवर कर लूँ। उसके बाद सब, और ये मेरा मासी का बेटा है। और उसके बाद यहाँ पे सारे जेंट्स लोग जो थे वो खाना खा रहे थे। और उसके बाद ब्लास्टर बैठे बैठे बोर हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ वैसे ही, बट ये ऐसे देखने लगे घूर के मुझे, तो मेरा मूड ही खराब कर दिया उन्होंने। तो गाइस, शगुन वगैरह हो गया, जो आए थे लोग वो आपने देख लिया, जो जो हुआ वो भी देख लिया। और उसके बाद आज जो है वो साथ भी है और साथ में भी होने शुरू हो गया। और मैं और मुंगनी जा रहे हैं, कहाँ मुंगनी जा रहे हैं? लहंगा लेने के लिए। लहंगा लेने के लिए गाइस, हम लहंगा बड़ा महंगा, मुंगनी की पोना महंगा, मेरा लहंगा।
तो गाइस अब जा रहे हैं हम लहंगा लेने के लिए, वो जो मैंने कराया हुआ है बड़ी दूर से मैंने कराया, मतलब पास से ही कराया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ लहंगा लेने के लिए कल के लिए। कल बारात है तो आज मुझे लहंगा लेने जाना पड़ेगा, नहीं तो मैंने कल ही ले आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं एक दिन पहले ही लेना पड़ेगा आपको, तो इसलिए एक दिन पहले जाना पड़ रहा है। और पता नहीं उसकी फिटिंग एंड ऑल वो भी करानी पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा काम है गाइस। मैं थक गया गाइस, मैं थक गया हूँ, मैं अटक गया हूँ। और गाइस आज की मेरी ड्रेस कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ड्रेस पसंद आई ये वाली कि नहीं आई। अभी ये मैंने आपको पूरी ड्रेस बताई नहीं है, बट आने के बाद मैं इनसे अपनी पूरी ड्रेस की वीडियो बनवाऊंगी पट्टे पे, उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं कितनी कैंड लग रही थी आज। और क्या मुनी, और लव यू गाइस। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मेरे न्यू व्लॉग्स हो उसको आपको लिंक मिलता जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि जैसे मेरा वो आएगा व्लॉग आएगा तो वैसे ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सॉरी गाइस, आज की मैं सांत का फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी बीमार हो गई थी और सारे लोग घर पे ही थे, तो इसलिए मतलब मैं बाज़ार भी गई थी तो आते हुए मेरे को ऐसे ही हो गया था, तो मैं उधर पीछे गई ना उनके घर, क्योंकि ऐसे मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो अभी 9 बज गया है, अभी थोड़ा ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बता दूँ। अब सांत का वेट कर रहे होंगे, तो सांत का कैंसिल हो गया, और मतलब और मेरी मतलब ऑफिस की मीटिंग भी थी, तो इसलिए ऑफिस की मीटिंग थी इसलिए मुझे मतलब लहंगा लेने गए थे तो 5:30 बजे मेरी ऑफिस की मीटिंग थी, तो इसलिए वो मुझे अटेंड करनी थी। इसलिए मैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने सिनेमेटिक्स को थोड़े से शॉर्ट्स लूँगी ड्रेस के साथ, बट वो भी मैं नहीं ले पाई, मतलब बड़ी सारी चीज़ें इस व्लॉग में मिस होगी जो कि मैंने नहीं करनी थी, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, जो होना है वही होना है ना। तो गए सब मैं अभी हस्बैंड के खाना खाने के लिए वहाँ पर, और मेरे को बोल रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन मेरे को भूख नहीं थी, ऐसे अजीब सा लग रहा थोड़ा, और मैं काफ़ी थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैंने हील डाली थी ना तो मुझे बस हो जाती, जब मैं थोड़ी सी हील डालती हूँ मेरी इतनी कमर दर्द होती है कि आप तो डिस्क की प्रॉब्लम भी है ना मुझे, तो मैं हील नहीं डाल सकती। तो आज मेरी जो ड्रेस थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी ऐसे, मतलब बिल्कुल ही नीचे तक थी, तो इसलिए मुझे आज थोड़ी सी हील डालनी पड़ी, जिसके चक्कर में को डिस्क की प्रॉब्लम भी, मतलब जो पेन है बैक पेन वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे से उठे नहीं जा रहा है, और बाजू की पेन तो है ही है, वो तो चल ही रही है, क्या ही बताऊँ उसका। और आज मेरे को रेडी किया था श्रेया ने, क्योंकि डे मेकअप था तो ज़्यादा वो नहीं था, तो और नेल्स मैंने करवाए एमी के पास, वो आपने यूट्यूब पर देखी सॉरी इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, एमी मेकओवर से मैंने नेल्स करवाए, मतलब नेल्स एक्सटेंशन करवाए हैं। और अगर आपको नेल एक्सटेंशन करवाना है तो आप एमी मेकओवर्स के पास जा सकते हो, काफ़ी अच्छे नेल आर्ट करते हैं वो, आपको उनको सिर्फ डिज़ाइन दिखाना है तो वो आपको कर लेंगे, मतलब वैसा ही कर लेंगे वो, बट मुझे सिंपल चाहिए थे मैरून में, तो मैंने सिंपल करवाए हैं देख सकते हो, मतलब मैरून भी नहीं है, थोड़ा रेड में और मैरून में है, और थोड़ा सा मैंने शिमर लगवा दिया ताकि मतलब सिंपल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये लगवा दिया। तो आज का दिन था जो वो बहुत ही ज़्यादा हैटिक था, क्योंकि सुबह मैं 9:30 बजे रेडी होने गई थी, मतलब 10 बजे उधर पहुँची थी, ठीक है 10 से 11 और 11:30 उधर हो गए मुझे, ठीक है पार्लर में, वो मतलब जहाँ पे रेडी होने गई थी, ठीक है 1.5 घंटा वहाँ पे लग गया, और 11:30 से लेके 1 बजे तक मेरे नेल एक्सटेंशन हुए, और 1:30 बजे मैं घर पहुँची हूँ, और तब तक सगन वगैरह सब कुछ आ चुका था, वो भी जो उनकी एंट्री की वीडियो थी वो भी नहीं मैं बना पाई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ली हैं, वो आपने देख ही ली होंगी, और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, मतलब खाना मैंने आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह मैंने कुछ नहीं खाया था, और दोपहर को मैंने पता क्या खाया था, डोसा खाया था थोड़ा सा, गजरेला खाया था, और पता क्या खाया था, डोसा और गजरेला ही खाया था मैंने, और कुछ भी नहीं खाया, मेरे को भूख भी नहीं लगी, और अभी भी मेरे को ऐसे मन नहीं हो रहा, पर मैं कैंटीन से ना कपड़ वोटर्स लेके आई थी तो मेरा वो खाने का मन है थोड़ा सा, अब ये आएंगे वहाँ से तो मेरे को बना के देंगे तो वो मैं खाऊंगी, और फिर मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद।
और आज मेहंदी वाला भी आ रहा है, तो एक हाथ तो मेरा है ही है, मैं मेहंदी लगवा ही सकती हूँ, तो एक हाथ में मैं मेहंदी लगा लूँगी आज शायद। अब पता नहीं ये क्या बोलेंगे, बोलेंगे अगर नहीं लगवानी है तो नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि अभी एक ही हाथ है, इसमें भी मेहंदी लग जाएगी तो फिर मैं क्या ही करूँगी, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है।